नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। इंदौर में कलेक्टर की जन सुनवाई में पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलने के कई मामले सामने आने के बाद अब यहां पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में यह पहला मौका था जब अंदर हॉल व बाहर कॉरिडोर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ बढ़ने का खास कारण कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा शाम तक लोगों की सुनवाई कर उनकी समस्या तुरंत हल करते रहे। उन्होंने कोरोना से अनाथ हुई एक किशोरी को कॉलेज आने जाने के लिए नई एक्टिवा दिलवाई, एक महिला को रोजगार को मद्देनजर रखते हुए सिलाई मशीन भेंट की तथा 7 दिव्यांगों को मौके पर ही लैपटॉप उपलब्ध कराए। दरअसल सिस्टम के तहत कलेक्ट्रेट, पुलिस, नगर निगम सहित संबंधित विभागों में हर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ही जन सुनवाई होती है। नतीजन सैकड़ों पीड़ितों का नंबर नहीं आता है और उन्हें अगले मंगलवार का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर 2 महीने पहले इंदौर कलेक्ट्रेट ने SDM द्वारा समस्या लेकर आए एक दिव्यांग को चांटा मारने के बाद अधिकारियों के रवैये में भी बदलाव आया है। इसका नतीजा ये हुआ कि कलेक्ट्रेट में अब हर मंगलवार को भीड़ बढ़ती ही जा रही है। संभवतः जन सुनवाई में आने वाले पीड़ितों की यह सबसे ज्यादा संख्या रही है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।